सिम स्वैप फ्रॉड। सिम स्वैप का सीधा सा मतलब है आपके मोबाइल फोन के सिम कार्ड की बदली, और अगर आपके मोबाइल फोन का सिम कार्ड आपकी मर्जी के बिना या आपकी जानकारी के बिना किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के लिए या फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए किया गया है तो इसे कहते हैं सिम स्वैप फ्रॉड। हाय, मैं हूं ओपी सिंह। आखिर धोखाधड़ी करने वाले ये फ्रॉड करते कैसे हैं? सिम स्वैप फ्रॉड में फ्रॉडस्टर्स आपका मोबाइल नंबर और आपके बैंक अकाउंट नंबर्स ये सारे कुछ प्राप्त कर लेते हैं धोखाधड़ी से, समटाइम्स फिशिंग के जरिए, या फिर आपको आप किसी ऐसे वेबसाइट पे जाते हैं, या मान लीजिए आपके बैंक का वेबसाइट जो है वो फेक है, आपने वहां लॉगिन किया, आपने वहां एंट्री की, या फिर किसी ऐसे ऐप को जो फ्रॉड ऐप है उसमें आपने एंट्री की, उसके बाद आपका सारा इंफॉर्मेशन फ्रॉडस्टर्स के पास चल जाता है। एक बार आपका ये सब जानकारी फ्रॉडस्टर के पास चले जाने के बाद में वो बैंक से नया सिम प्राप्त कर लेते हैं और आपका सिम को डीएक्टिवेट कर देते हैं। आपको याद होगा मुंबई के एक बिजनेसमैन माहिम में रहने वाले, उनका रातों रात 1,86,00,000 रुपए उसके खाते से निकल गए। उस रात उसे 6 फोन आए थे, सवेरे जब उसने देखा तो 6 मिस कॉल है, उसमें एक मिस कॉल यूनाइटेड किंगडम का था। सवेरे जब उसने यूनाइटेड किंगडम में फोन लगाना चाहा तो उसे मालूम पड़ा कि उसका फोन डीएक्टिवेट हो गया। उसने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को कॉन्टेक्ट किया तो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर ने उसे बताया कि आपने रात को एक नया सिम इशू करवाया है और अपने पुराने नंबर को आपने डीएक्टिवेट करवाया है। ये सुनने के बाद वो शॉक में आ गया क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो अपने बैंक को कॉन्टेक्ट करता है और उसे मालूम पड़ता है कि उसके बैंक से 1,86,00,000 रुपए आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से निकल गए हैं। कुल 28 ट्रांजेक्शन हुए थे और 14 अलग अलग खातों में देश के अलग अलग हिस्सों में, जिसमें वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश शामिल है, और भी पूर्वोत्तर राज्य थे, उसके पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। बैंक थोड़ी फुर्ती दिखाता है और उसमें से 20,00,000 रुपए वो रिकवर करने में कामयाब हो जाते हैं, फिर भी 1,66,00,000 रुपए उसके खाते से गायब हो जाते हैं। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में साइबर सेल जब इसकी इंक्वायरी करती है तो उसे मालूम पड़ता है कि बिजनेसमैन ने कभी ना कभी कोई इसी तरह के फेक वेबसाइट, बैंक की फेक वेबसाइट या ऐप को इन्होंने ये किया था, उसमें लॉग इन किया था, जिसकी वजह से इसके सारे इंफॉर्मेशन उन लोगों के पास चले गए थे। ये जरिया है जिसके माध्यम से वो लोग ऐसा करते हैं। और आपसे बहुत बार आपको कोई फोन कॉल आएगा और फोन कॉल करने वाला ऐसा पोज करेगा जैसे वो किसी फोन मोबाइल फोन सर्विस कंपनी का एग्जीक्यूटिव है, आपसे वादा करेगा कि आपको बताएगा कि नहीं हम आपका स्पीड बढ़ा सकते हैं, आपका आपकी फोन की स्पीड बढ़ जाएगी, आपको अच्छा स्कीम दे देंगे, इस तरह से आपको फंसाएगा वो। और जब और इस फंसाने के बाद आपसे सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेगा जो उसे जरूरत है। तो दोस्तों, क्या इससे बचा जा सकता है? आपको जब इस तरह के कोई भी कॉल आता है जिसमें आपसे पर्सनल डिटेल मांगे जाते हैं, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगा जाता है, जैसे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर आपका एड्रेस, बाकी चीजें मांगी जाती है, तो आप फोन के ऊपर कभी भी ना दे, आप फोन डिस्कनेक्ट कर दीजिए और आपके पास बैंक का नंबर है, आप बैंक में फोन कीजिए और पूछिए क्या उन लोगों ने फोन किया था। वो ऐसा नहीं करते हैं। बहुत बार आपको ऐसे मैसेजेस आते होंगे कि बैंक आपसे कभी भी आपसे ये सब इंफॉर्मेशन फोन के ऊपर नहीं मांगेगा, तो आप ऐसे फोन को इंटरटेन नहीं करें, उसे डिस्कनेक्ट कर दे और उसे उस नंबर को ब्लॉक कर दे। इसी तरह का कोई भी मेल आपको आता है जिसमें कोई लिंक क्लिक करने के लिए आपको बोला जाता है, वो आपको मेल पे आ सकता है, व्हाट्सएप पे आ सकता है, तो आप ऐसे किसी भी अनजान लिंक को क्लिक ना करें। अगर आपका मोबाइल फोन बंद है या आउट ऑफ रेंज दिखा रहा है तो आप तुरंत ही अपने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से कॉन्टेक्ट करें। आप तुरंत ही अपने बैंक का पासवर्ड, बैंक अकाउंट का जो पासवर्ड है उसे तुरंत ही बदली कर दें। इसके अलावा जो बहुत जरूरी बात यह है कि आप अपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे SMS और ईमेल को भी रजिस्टर्ड करें, ताकि आपको रेगुलरली आपको SMS और ईमेल मिलते रहे। अगर आपका फोन डीएक्टिवेट भी हो गया है तो आपको SMS और मेल तो आएंगे ही, और आपको मालूम पड़ेगा कि आपके साथ, आपके अकाउंट के साथ कोई क्या कर रहा है।
बीच बीच में आपको अपने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट निकलवा करके उसे चेक करना चाहिए कि उसमें जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं वो सब आपने किए हैं, किसी और ने नहीं किए। तो ये रही कुछ बातें जो सिम सर्वर फ्रॉड से आपको बचा सकती है। और आप ध्यान रखिए, आपके जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, और मोबाइल को साइलेंट में मत डालिए, रात के समय भी मोबाइल को साइलेंट में मत डालिए। हो सकता है रात को कोई आपका सिम कार्ड चेंज कर रहा हो, जैसा मुंबई के व्यापारी के साथ हुआ। रात को 11:15 में उसका सिम कार्ड चेंज करने का रिक्वेस्ट बैंक के पास गया, और बैंक वालों ने उसे 11:15 से लेकर 2 बजे के बीच में कई कॉल किए, लेकिन बिजनेसमैन ने अपना फोन साइलेंट पे रखा हुआ था और उसे ये सारे जो मिस कॉल है सवेरे ही मिले। तो आप अपने फोन को साइलेंट में मत रखिए। अगर आप मोबाइल बैंकिंग करते हैं तो हो सकता कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बैंक के थ्रू आपको दी जाने वाली है और वो आपको नहीं मिल पाएगी। और अपने SMS और WhatsApp और ईमेल को रेगुलरली चेक कीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं और रिलेटिव्स हैं उन तक ये सूचना पहुंच सके और वह ऐसे किसी भी संभावित फ्रॉड से बच सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।